डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे नहीं, उसके क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। जैसे बाकी हम लोग टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस के ऊपर दो वीडियो लेक्चर अपलोड किए हैं, वैसे ही हमारा ये वीडियो लेक्चर जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम के ऊपर। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस का जितना भी सवाल कराया गया है 10 से 12, सबको एक बार अच्छे से देख लो। और जो भी स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट का मैसेज आया था, कमेंट आया था कि सर वो कुछ पढ़े नहीं है, तो उनके लिए एक ही सलाह है कि आप क्या करो कि जितना फार्मूला मैं बता रहा हूँ उस फार्मूला को एक जगह लिख लो, या अगर नहीं पढ़ पा रहे थ्योरी पूरा तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम दो चैप्टर कोई भी पढ़ लो। जैसे टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस पढ़ लिए, स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम पढ़ लिए, या फिर रूट लोकस एनालिसिस पढ़ ले, कोई दो टॉपिक पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद से जितना सवाल मैं करा रहा हूँ उसको अच्छे से देख लो, काफ़ी है उतना। ठीक है, मेन क्या है कि न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाएंगे, तो हर एक क्वेश्चन में अगर एक भी न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट कर दे रहे हो तो आपका काम हो जाएगा, मतलब अप्रोक्स पास कर जाओगे। ठीक है, और कुछ कुछ थ्योरी पढ़ लो पूरा, मैं बार बार बोलता हूँ पढ़ने का कोशिश नहीं करना चाहिए, सेमेस्टर के पेपर में मॉड्यूल वाइज प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक है, तीन अगर चार मॉड्यूल है तो तीन मॉड्यूल भी आपका पूरा तैयार है, तो 70 में 70 आप अटेम्प्ट कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर दो दो है तो आप अप्रॉक्स 40 से 50 नंबर ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें, पास के लिए तो सोचना ही नहीं है। लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि सर हमारा क्या होना चाहिए, हमारा जो है पूरा अच्छे से तैयार होना चाहिए। चलो, अब स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम में कुछ हम लोग बेसिक पॉइंट्स देखे थे, तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टेबिलिटी के बारे में क्या कॉमेंट किया था कि सर सिस्टम हमारा तभी स्टेबल होगा जब बाउंडेड इनपुट देते हो तो आउटपुट भी बाउंडेड आना चाहिए, यानी कि आउटपुट हमारा टाइम के साथ रिड्यूस करना चाहिए। दूसरा कंडीशन देखे थे कि सर अगर हम लोग इनपुट नहीं अप्लाई करते हैं तो आउटपुट हमारा जीरो हो जाना चाहिए, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ इनपुट द आउटपुट शुड टेंड टू बी जीरो। ठीक है, क्लियर, दो कंडीशन हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा था कि कोई भी एलटीआई सिस्टम को हम लोग स्टेबल कब बोलेंगे। ठीक है, दूसरा चीज़ ये हम लोग पढ़े थे कि सर नेचुरल रिस्पॉन्स के बेसिस पर हम लोग ये बोलते हैं कि अगर सिस्टम का रिस्पॉन्स अगर हमारा टाइम के साथ साथ बढ़ते जाता है, मान लो हमारा सर सी टी और टी का ग्राफ है, ठीक है, सिस्टम का रिस्पॉन्स हमारा टाइम के साथ साथ बढ़ते चला जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि सिस्टम हमारा अनस्टेबल बन गया। दूसरा कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा था कि सर सिस्टम का अगर रिस्पॉन्स जो है वो टाइम के साथ साथ ओसिलेटिंग नेचर का है, यानी कि मान लो साइन का हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं सर कि हमारा क्रिटिकल सॉरी मार्जिनल स्टेबल सिस्टम होता है। ठीक है, उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा था कि सर अगर हमारा सिस्टम का रिस्पॉन्स आउटपुट के साथ साथ जीरो हो जाए तब हम लोग बोलते हैं कि सर वो हमारा स्टेबल सिस्टम है। ये हम लोग सर एज पर नेचर ऑफ रिस्पॉन्स हम लोगों ने ये चीज़ें बोली थी सर। ठीक है, नेचुरल रिस्पॉन्स के बेसिस पे, रिस्पॉन्स के बेसिस पे हम लोगों ने ये बोला था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सर कि हमारा अगर पोल का लोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोल लोकेशन, हम लोगों ने बोला था कि सर सिस्टम का पोल का लोकेशन अगर LHS में है तो आँख बंद करके बोलोगे कि सर हमारा सिस्टम क्या है, स्टेबल सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा था कि सर अगर हमारा सिस्टम का पोल का लोकेशन अगर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट LHS में है, मान लो सर ये हमारा LHS है, ये हमारा सर एक्सिस हो गया और पोल का लोकेशन हमारा कुछ यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट LHS साइड में, तब भी हम लोग बोलते हैं कि सर हमारा क्या सिस्टम स्टेबल है। ठीक है, उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा था सर कि अगर हमारे पास पोल है और दोनों पोल हमारा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है और इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर है, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस होता है, ये हमारा रियल एक्सिस होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फॉर्म में है तब भी हम लोग बोलते हैं सर ये हमारा सिस्टम कैसा होगा, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम होगा। कैसा सिस्टम होगा, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम होगा। ठीक है, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम होगा, क्लियर है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, मैं सब कुछ यहाँ पे बता देता हूँ आपको, घबराने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सर अगर पोल का लोकेशन अगर हमारा राइट हैंड साइड में है, सर राइट हैंड साइड में, तब हम लोग क्या बोलते थे सर सिस्टम हमारा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, अगर हमारा राइट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बनता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बनता है, तब भी हम लोग बोलते हैं कि सर ये हमारा अनस्टेबल सिस्टम बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सर अगर हमारे पास रिपीटेड पोल है कहाँ पे सर, इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर, तब भी हमारा सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल ही होगा। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि सर अगर हमारे पास जो है ना पोल जो है रिपीटेड है, कहाँ पे सर, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के ऊपर रिपीटेड पोल है सर, तो हम लोग बोलते थे कि हमारा अनस्टेबल बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारी बात होगी। अब देखो और क्या पढ़े थे, सब स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम में अच्छे से इसका प्रूव किए हैं कैसे आता है, ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा था सर, क्लियर है। उसके बाद से हम लोगों ने ये बोला था कि सर हमारा सिस्टम अनस्टेबल कब होगा, जब पोल हमारा RHS में होगा, या पोल हमारा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में होगा RHS में, या फिर हमारा पोल अगर डबल पोल आ जाएगा, मतलब रिपीटेड मल्टीपल पोल्स आ जाएगा इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर, तब भी हमारा अनस्टेबल होगा। मार्जिनल स्टेबल कब होगा, जब सिंगल पोल होगा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में, तब हम लोग बोलेंगे सर हमारा मार्जिनल स्टेबल सिस्टम होगा। ठीक है, ये हमारा स्टेबल के बारे में हो गया। अब एक हम लोग पढ़े थे कि सर एब्सोल्यूट स्टेबल क्या होता है,
ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ये मैं लिखा है आपको, ये थ्योरी में पूछा जाएगा एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी क्या होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि सर के किसी भी वैल्यू के लिए हमारा क्या होगा, सर सिस्टम स्टेबल होगा। द सिस्टम आर सेट टू बी एब्सोल्यूट स्टेबल इफ इट इज स्टेबल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ पैरामीटर के सारे वैल्यू के लिए क्या होगा हमारा स्टेबल होगा। तब हम लोग बोलेंगे कि सर ये एब्सोल्यूट स्टेबल होगा। एक हमारा क्वेश्चन पूछा था कि सर कंडीशनल स्टेबल क्या होता है, कंडीशनल स्टेबिलिटी के बारे में बताइए सर, कंडीशनल स्टेबिलिटी क्या होता है। तो कंडीशनल स्टेबिलिटी के केस में हम लोग ने पढ़े थे कि सर अलग अलग के लिए, अलग अलग के रेंज के लिए सिस्टम का हमारा स्टेबिलिटी जो है वो चेंज कर जाएगा। द सिस्टम इज कंडीशनल स्टेबल सिस्टम इफ इट्स स्टेबल ओनली फॉर सम वैल्यू ऑफ पैरामीटर के, क्योंकि कुछ वैल्यू के लिए क्या होगा सर अगर स्टेबल होगा तो हम लोग बोलेंगे कंडीशनल स्टेबल होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सर मार्जिनल स्टेबल के बारे में, मार्जिनल स्टेबल के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, ये सब स्टेटमेंट लिखाया गया आपको स्टेबिलिटी चैप्टर देखोगे ना मेरे यूट्यूब में अपलोड किया गया। तो इसमें हम लोगों ने बोला था कि सर सिस्टम का रिस्पॉन्स नहीं इंक्रीज करेगा नहीं डिक्रीज करेगा, वो ऑसिलेटरी नेचर का होगा, तब हम लोग बोलेंगे कि सर वो हमारा मार्जिनल स्टेबल होगा। या फिर हम लोग ये भी बोलते हैं कि सर इट इज गिव बाउंडेड आउटपुट फॉर सम बाउंडेड इनपुट बट इट मे गिव अनबाउंडेड आउटपुट फॉर सम अदर बाउंडेड इनपुट। यानी कि सर ये दोनों केस दे सकते हैं, अगर बाउंडेड इनपुट लगा रहे हो तो आउटपुट बाउंडेड भी आ सकता है, आउटपुट अनबाउंडेड भी आ सकता है। बाउंडेड आएगा तब तो बोलोगे स्टेबल है, अनबाउंडेड आएगा तो बोलोगे अनस्टेबल। यानी कि मार्जिन स्टेबल के केस में दोनों बनता है। तो ये हमारा सर ये नहीं बोल सकते कि स्टेबल है या अनस्टेबल है, डायरेक्ट इसको बोलते हैं हम लोग मार्जिन स्टेबल। यानी कि ये हमारा स्टेबिलिटी भी बोल सकते हो, सॉरी नॉट स्टेबल भी बोल सकते हो। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं एक रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी हम लोग सर कंपेयर करके निकालते हैं, पोल ऑफ सिस्टम को हम लोग इमेजिनरी सिस्टम से दूर ले जाते हैं, तो देखते हैं कि सर रिलेटिव स्टेबिलिटी हमारे सिस्टम का क्या होता है, इंप्रूव होता है। ठीक है, ये सब कुछ स्टेटमेंट आपको लिखाया गया, ये हमारा है रिलेटिव स्टेबिलिटी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हम लोग पढ़े थे सर रूल्स फॉर स्टेबिलिटी। रूल्स फॉर स्टेबिलिटी में हम लोगों ने पढ़ा था कि सर हमारा नेसेसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, कि सर नेसेसरी कंडीशन ये होना चाहिए कि सारे कोफिशियंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का सारे कोफिशियंट प्रेजेंट होना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन है, और रियल होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि सर अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में सिर्फ इवन पावर ऑफ एस आ जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि सर वो हमारा मार्जिन स्टेबल सिस्टम बनेगा और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में उसका पोल का लोकेशन आएगा। ठीक है, दूसरा पढ़े थे। तीसरा पढ़े थे हम लोग सर कि अगर फर्स्ट कॉलम एलिमेंट में कोई भी पॉजिटिव कोई भी निगेटिव वैल्यू आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे सिस्टम हमारा अनस्टेबल है। अब निगेटिव वैल्यू आने से क्या समझेंगे, तो निगेटिव वैल्यू हम लोग जितना निगेटिव जितना बार साइन चेंज होगा फर्स्ट कॉलम में राउ थेरे बनाएंगे, राउ थेरे का फॉर्मेशन करेंगे, राउ थेरे के फॉर्मेशन में जितना बार साइन चेंज होगा उतना ही पोल हमारा कहाँ पर रहेगा सर, उतना ही रूट्स। अगर पोल के बारे में यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का एनालिसिस कर रहे हो, यानी कि पोल का एनालिसिस कर रहे हो, यानी कि उतना ही पोल हमारा कहाँ होगा सर, राइट हैंड साइड में लाई करेगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा था कि सर एक रो जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, एक रो जीरो होगा तो हमारा मार्जिनल स्टेबल सिस्टम बनेगा। उसके बाद से वहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन भी फाइंड आउट करते हैं, सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ाया गया है। ठीक है, एक एक मतलब क्या बोलते हैं, एक एक जो है ना रूल्स फॉर स्टेबिलिटी के एक एक रूल जो है ना बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया, कोई इशू नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया, बता सकते हैं इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि एक अच्छे लेवल तक आपको पढ़ा करके लेकर गया है। ठीक है, तो आप एक बार देखोगे उसको। चलो बातें हम अपने मेन काम के ऊपर, क्योंकि हमारा सर ये वीडियो लेक्चर ले आने का मकसद यही है कि जो भी स्टूडेंट पहले से ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो, वो जो है ना अपना अपना जो प्रिपरेशन है उसको और बूस्ट कर पाएँ और अच्छा से अच्छा जो है ना एग्जाम में नंबर लेकर के आए और बहुत अच्छे तरीके से अपने पेपर को अटेम्प्ट करें। ठीक, तो उनके लिए हम लोग जो है ना ये कोशिश करें, बाकी जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद है, वैसा नहीं बोल सकते कि उनको समझ में नहीं आएगा या उनके लिए नहीं है। ठीक है, चलो अब चलते हैं सर क्वेश्चन बनाते हैं। देखो हमेशा याद रखोगे क्वेश्चन वन में देखो क्या बोला है कि सर कंसिडर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है और आपको पता है ना सर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, डिनोमिनेटर ऑफ पोल्स होता है किसका सर, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का। मान लो हमारे पास सी सर क्या होता है, 1+GSHS होता है सर, किसका सर, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का। ट्रांसफर फंक्शन का इक्वेशन मान लो हमारे पास लिखा हुआ है सर GS/1+GSHS, तो डिनोमिनेटर क्या देता है सर, पोल का लोकेशन देता है। यही डिनोमिनेटर हमारा क्या होता है सर, सी होता है, और इसी का एनालिसिस करते हैं। हम लोग पढ़े थे ना सर कि पोल के लोकेशन के अनुसार हम लोग स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, एकदम स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने पढ़ा था सर। ठीक है, चलो तो सी से हम लोग कैसे, इसमें क्या बोला कि सर इसमें बोला है कि डिटरमाइन द स्टेबिलिटी, इसमें क्या करना है, स्टेबिलिटी डिटरमाइन करना है कि स्टेबल है कि नहीं है। तो इसको कैसे करोगे, हम लोग इसके लिए सर नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन देखेंगे। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है, सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए, सारे पॉजिटिव है और रियल होने चाहिए, रियल है, सारे प्रेजेंट होने चाहिए। तो देखो S^4, S^3, S^2, S^1, S^0, यानी कि S^0 1 ही होता है। ठीक है, तो सारे प्रेजेंट भी हैं, यानी कि यहाँ तक कोई बात दिक्कत की बात नहीं है सर, यहाँ तक हम लोग अच्छे से समझ गए। चलो अब क्या करेंगे, अब करेंगे राउथ एरे का फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें लिखोगे सबसे पहले कि सर इसमें हमारा नो मिसिंग टर्म्स है, नो मिसिंग टर्म्स। ठीक है, सर अच्छे से लिखोगे, एग्जाम जो ले रहा होगा जो, तो वो आपको अच्छे से नंबर देगा। उसके बाद से बोलोगे एंड द कोफिशियंट, सारे प्रेजेंट है,
आर ऑल ऑफ द सेम साइन, ठीक है, सारे कोफिशियंट भी प्रेजेंट है, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं नेसेसरी कंडीशन को और सफिशियंट कंडीशन को भी, ठीक है। सफिशियंट कंडीशन के लिए हम लोग को चेक करना होगा, नेसेसरी कंडीशन तो होना चाहिए कि सारे पॉजिटिव होने चाहिए, सारे पॉजिटिव होने चाहिए, सारे प्रेजेंट होने चाहिए, सारे प्रेजेंट है। अब हम लोग को जो है ना नेसेसरी कंडीशन होगा, सफिशियंट कंडीशन चेक करना है, तो वो कैसे करेंगे, राउ थ्योरी का फॉर्मेशन करके। अब राउ थ्योरी का फॉर्मेशन कैसे होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ, बस इसमें भी देखते चलोगे, अगर पहले नहीं भी सीखे हो तो यहाँ पर आप सीख जाओगे अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो करना कुछ नहीं है, हमेशा क्या करोगे, सबसे हाईस्ट पावर क्या है, एस पावर फोर, पहले लिखोगे सर एस पावर फोर, एस पावर फोर, फिर बढ़ते जाओगे डाउनवर्ड, एस पावर थ्री, एस पावर टू, एस पावर वन, एस पावर जीरो, ठीक है। अब देखो अब कॉलम और रो का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो फर्स्ट दो रो हम लोग जो है ना इक्वेशन से ही बनाते हैं। देखो अब क्या करते हैं, एस पावर फोर में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, पहले एस पावर फोर लिखेंगे, फिर एस पावर टू लिखेंगे, फिर एस पावर जीरो, यानी कि इवन पावर को लिखते हुए चलेंगे सर। तो यानी कि यहाँ यहाँ पर हमारा आ जाएगा टू, फिर क्या आ जाएगा सर थ्री, फिर क्या आ जाएगा टेन, देखो यहाँ पे टू थ्री टेन। उसके बाद एस पावर थ्री में क्या क्या लिखोगे सर, एस पावर थ्री में एस क्यू एस फाइव, ठीक है, क्या लिखोगे, एस क्यू और एस फाइव, एस क्यू एस फाइव में क्या है सर, सर एस क्यू यानी कि वन, फाइव एस मतलब कि फाइव, और यहाँ पे जीरो हो गया। अब चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अब एस टू एस वन एस नॉट को आपको अपने से फॉर्मेशन करना होगा राउ थ्योरी टेक्निक के अनुसार। अब देखो कैसे करते हो, देखो हम लोग क्या करते हैं सर, वन और थ्री को मल्टीप्लाई करते हैं, वन और थ्री को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद से वन और फाइव को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं सर, वन और फाइव को मल्टीप्लाई करते हैं। चलो ठीक है, वन और थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सर, वन और थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा थ्री होगा, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन नहीं इधर उधर कर रहा हूँ। थ्री माइनस करते हैं सर, टू और फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टेन, डिवाइड का जैसे करेंगे सर, जहाँ से हम लोग शुरू करते हैं एस थ्री का वैल्यू जो होगा वहीं, ठीक है, यानी कि वन सर डिवाइड करेंगे वन। चलो पहले का काम हो गया, अब देखो दूसरे में हम लोग कैसे करते हैं सर, वन और टेन को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, और जीरो और टू को मल्टीप्लाई करते हैं सर, वन और टेन को मल्टीप्लाई करते हैं और जीरो और टू को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, करते हैं मल्टीप्लाई, वन और टेन टेन को मल्टीप्लाई, जीरो और टू को करेंगे जीरो, उसके बाद से करेंगे सर वन और टेन को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा सर, वन और टेन को करेंगे, वेट करो ये हो जाएगा जीरो, वेट वेट वेट, पहले लिखते हैं ना सर वन और टेन, वन इंटू टेन माइनस टू इंटू जीरो बाई, डिवाइड कैसे करेंगे सर, डिवाइड करेंगे ये वन से ही, हमेशा याद रखोगे, आगे कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि थर्ड कॉलम हमारा जीरो हो जाएगा, आगे कोई एलिमेंट नहीं है ना, आगे तो कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, यानी कि वन से सर आगे तो कोई प्रेजेंट नहीं है, यानी कि जीरो मान लोगे तो जीरो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक ठीक है। चलो अब इसको लिखते हैं, पहले वाले में क्या आ जाएगा सर, पहले वाले में वैल्यू आएगा निकल के हमारा माइनस सेवन, दूसरे वाले में आएगा सर टेन और ये जीरो, लिख देते हैं उसको माइनस सेवन टेन और जीरो लिखते हैं, माइनस सेवन टेन और ये जीरो हो गया, ठीक है। अब चलो अब नेक्स्ट रो कैसे फॉर्मेशन होगा वो देखते हैं सर, नेक्स्ट रो का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो सेवन और फाइव को मल्टीप्लाई करोगे, वन और टेन को मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड का जैसे करोगे सर माइनस सेवन से, सेवन और जीरो को मल्टीप्लाई करोगे और जीरो और वन को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, देखते हैं। अब देखो सेवन और फाइव को करोगे माइनस थर्टी फाइव, क्या होगा सर माइनस थर्टी फाइव माइनस टेन डिवाइड बाई माइनस सेवन, ठीक है। अब दूसरे कॉलम की बात करो तो सेवन और जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो, और हमारा जीरो और वन से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि माइनस वन बाई माइनस सेवन, ये हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि आगे कोई एलिमेंट नहीं है। अब देखो माइनस फोर्टी फाइव बाई माइनस सेवन, माइनस फोर्टी फाइव बाई माइनस सेवन क्या हो जाएगा सर, फोर्टी फाइव बाई सेवन, फोर्टी फाइव बाई सेवन क्या होगा, फोर्टी फाइव बाई सेवन हमारा आएगा सिक्स पॉइंट फोर थ्री, ठीक है, प्लस हो गया। चलो अब क्या देखना है सर, माइनस वन बाई माइनस सेवन यानी कि वन बाई सेवन हो जाएगा, ठीक है, सॉरी वन बाई सेवन होगा, सॉरी जीरो हो जाएगा, नहीं पे तो जीरो हो जाएगा, सेवन इंटू जीरो जीरो हो जाएगा ना, ये जीरो, ये जीरो हो जाएगा सर, ये भी जीरो हो जाएगा। चलो ठीक है अब क्या करते हैं सर, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में कैसे करते हैं सर, सिक्स पॉइंट फोर और हमारा टेन से मल्टीप्लाई होगा, सेवन और जीरो से मल्टीप्लाई होगा, सिक्स पॉइंट फोर थ्री और जीरो से मल्टीप्लाई होगा, जीरो और सेवन से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। डिवाइड करने का रूल आपको पता है कैसे डिवाइड करते हैं, सिक्स पॉइंट फोर थ्री डिवाइड हो जाएगा, सिक्स यहाँ पर डिवाइड करोगे टेन इंटू सिक्स पॉइंट फोर थ्री माइनस जीरो, सेवन इंटू जीरो जीरो बाई सिक्स पॉइंट फोर थ्री, ये हो जाएगा जीरो, ये भी हो जाएगा जीरो क्योंकि यहाँ पे जीरो इंटू जीरो सिक्स पॉइंट फोर थ्री इंटू जीरो जीरो और जीरो इंटू माइनस सेवन जीरो, ठीक है, और ये हमारा जीरो ऑलरेडी बन जाएगा क्योंकि सर आगे कोई एरो प्रेजेंट नहीं, आगे कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा सर, यहाँ पे हमारा बनेगा टेन, ठीक है, यहाँ पे बनेगा टेन, तो टेन लिख दो। अब देखो देखना है सर फर्स्ट कॉलम में कितना बार साइन चेंज हो रहा है, फर्स्ट कॉलम में साइन कितना बार चेंज हो रहा है, तो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या क्या है वो देखो, पहले उसको ब्रैकेट कर लो, देखो
ये सारे हमारे फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट कितने सर? ये हमारे फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है। कितना बार साइन चेंज हो रहा है वो बताना है सर। तो एक बार बताओ, S4 से S3 जाने में कोई साइन चेंज हो रहा है क्या? प्लस है 2, 1 भी प्लस है। नहीं सर, कोई साइन चेंज नहीं हो रहा। S3 से S2 जाने में सर साइन चेंज हो रहा है एक बार। 1 हमारा क्या है? प्लस है, -7 है, एक बार साइन चेंज हुआ। S2 से S1 जाने में साइन चेंज हो रहा है क्या सर? हाँ सर, -7 था, यहाँ प्लस हो रहा है। S1 से S2 जाने में साइन चेंज हो रहा है क्या? नहीं सर, यानी कि 2 बार साइन चेंज हो रहा है। कहाँ कहाँ पे? एक बार हमारा यहाँ साइन चेंज हो रहा है और एक बार हमारा यहाँ साइन चेंज हो रहा है। 2 बार साइन चेंज हो रहा है। टू मतलब हमारे पास कितना बार साइन चेंज हो रहा है सर? 2 बार। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सर, सबसे पहले देर आर टू चेंजेज इन साइन इन द फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में हमारा 2 साइन चेंज हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे सर? तो इसमें हम लोग बोलेंगे इक्वेशन के पास हमारा जो है, इक्वेशन हैज टू रूट्स, यानी कि 2 पोल, पोल के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं। टू रूट्स इन द राइट हाफ ऑफ द एस्प्लेन। अब जो है राइट हाफ में 2 रूट्स आ गए हैं, इसका मतलब क्या हो गया सर? सिस्टम हमारा हो गया अनस्टेबल। हमारा सिस्टम क्या हो गया सर? अनस्टेबल हो गया, क्योंकि 2 पोल हमारा कहाँ चला गया? राइट हैंड साइड में। ठीक है, यानी कि आपके पास टोटल 4 पावर है, तो 2 पोल कहाँ गया RHS में? 2 पोल आपका कहीं भी हो सकता है, या तो इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर हो सकता है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में जो कि मार्जिन अनस्टेबल बनाएगा, या फिर हमारा LHS में भी हो सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलो, ये हमारा पहला सवाल हो गया सर। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल को देखते हैं सर। नेक्स्ट सवाल में क्या करना है देखो, इसमें देखो क्या बोला है कि सर, इसमें बोला गया है कि हमारा जो है इसको सॉल्व करना है, डिटरमाइन द स्टेबिलिटी। क्या बोल रहा है कि सर, डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ ए ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, ऑफ ए ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन गिवेन। ठीक है, इट इफ सिस्टम इज फाउंड अनस्टेबल, हाउ मेनी रूट्स इट हैज पॉजिटिव रियल पार्ट्स। आपको बताना है सर कि सर, अगर सिस्टम हमारा अनस्टेबल बनता है तो कितना रूट्स हमारे कहाँ पे होंगे सर? कितना रूट्स हमारे कहाँ पे होंगे? रियल एक्सिस पार्ट के ऊपर होंगे, ये आपको बताना है सर। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे? CS/RS दिया हुआ है, CS/RS दिया हुआ है, ना कि ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है। और डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा सर? डिनोमिनेटर ही हमारा होगा जाना, डिनोमिनेटर में ही हमारा क्या होगा सर? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा। अब यहाँ से आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिख रहा है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताओ? यहाँ से आपको अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रहा है तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है सर, तो देखते हैं यहाँ पर हमारा सी क्या बन रहा है। सी बन रहा है सर S5 + 1.5 S4 + 2SQ + 4S² + 5S + 10। अब नेसेसरी कंडीशन चेक करना है, सारे हमारे क्या हैं सर? सारे हमारे पॉजिटिव हैं, बिल्कुल सही है, सारे प्लस हैं, सारे टर्म प्रेजेंट हैं, S5 S4 S3 S2 S1 S0। ठीक है, यानी कि नेसेसरी कंडीशन हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है सर। नेसेसरी कंडीशन हमारा क्या हो रहा है सर? यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। अब इसको कैसे करोगे सर? इसमें हम लोग बनाते हैं, इसमें बनाते हैं हम लोग सर राउ थेरे से, सफिशियंट कंडीशन चेक करने के लिए। सफिशियंट कंडीशन चेक करने के लिए क्या करेंगे सर? राउ थेरे का फॉर्मेशन करेंगे। चलो ठीक है सर, राउ थेरे का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है सर, राउ थेरे का फॉर्मेशन करते हैं हम लोग। कैसे करेंगे सर? सबसे हाईएस्ट पावर क्या है हमारा? S^5 से शुरू करेंगे, S^5, फिर क्या लिखेंगे? S^4, फिर क्या लिखेंगे? S^3, फिर क्या लिखेंगे? S^2, फिर S^1, फिर S^0। ठीक है, हमारा इसी तरीके से राउ थेरे का फॉर्मेशन होगा। चलिए ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे बनाते हैं सर राउ थेरे? देखो, S^5 लिखेंगे पहले, फिर लिखेंगे S^3, फिर लिखेंगे S^0। ठीक है, यानी कि ऑड नंबर्स के मल्टीपल्स में। S^5 का हमारा कोफिशिएंट क्या है? 1 है। S^3 का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। S^1 का कोफिशिएंट क्या है? 5 है। यानी कि 1 2 5 हो जाएगा हमारा, 1 2 और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब S^4 का देखो, S^4 का 1.5, S^2 का 4 और 10, 1.5 4 10, 1.5 और क्या है सर? 4 और क्या है? 10। ठीक है, अब नेक्स्ट रो अपने से बनाना है। कैसे सर? राउ थेरे से। अब रूल क्या होता है? 1.5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। ठीक है, 1.5 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 2 के साथ। 1.4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? सॉरी, 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 1 के साथ। उसके बाद से बोलेंगे हमारा 1.5 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ सर? 5 के साथ। और 10 मल्टीप्लाई होगा हमारा 1 के साथ। ठीक है, चलो बनाते हैं सर। देखो, 1.5 × 2 कितना हो जाएगा? 1.5 × 2 यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, 1.5 × 2 3 हो जाएगा।
पहला हमारा क्या बताया, यही 1.5 और 2 ही ना मल्टीप्लाई होगा। बोलो पहला हमारा 1.5 और 2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। चलो 1.5 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 3, 3 और 1 इंटू 4 हो जाएगा हमारा 4। डिवाइड कितना करेंगे सर, 1.5 से करेंगे डिवाइड। चलो पहला काम हो गया। दूसरा कैसे बनाएंगे, 1.5 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 1.5 मल्टीप्लाई होगा 5 से, माइनस 10 डिवाइडेड बाई कितना सर, 1.5, ठीक है। ये हमारा आगे कोई रो नहीं है तो 0 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब 3 माइनस 4 बाई 1.5 कितना आएगा सर, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर। ये हमारा बनेगा, ये 2/3 बनेगा ना, माइनस 2/3, यानी कि अगर इसको करोगे तो ये हमारा देगा वैल्यू माइनस 0.66। इसको सॉल्व करोगे तो कितना देगा सर, इसको सॉल्व करोगे तो कितना देगा, ये देगा सर हमारा 7.5 माइनस 10, यानी कि निगेटिव ये भी देगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा देगा सर ये वैल्यू माइनस 1.66। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो नेक्स्ट रो का फॉर्मेशन करेंगे, वो कैसे सर, तो उसके लिए हमको 0.66 जो है ना मल्टीप्लाई करना होगा 4 के साथ, ठीक है। माइनस 1.66 मल्टीप्लाई करना होगा 1.5 के साथ, उसके बाद से हमारा जो है 0.6 का मल्टीप्लीकेशन करना होगा 10 के साथ, और 0 का मल्टीप्लीकेशन करना होगा 1.5 के साथ, ठीक है। अब चलो लिख बनाते हैं, माइनस 0.66 इंटू 4 कितना होगा सर, माइनस 0.66 इंटू 4, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.66 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई माइनस 0.66, ठीक है। अब उसके बाद से क्या करेंगे सर, 0.66 इंटू 10 माइनस 0.66 इंटू 10 माइनस 1.5 इंटू 0 डिवाइडेड बाई माइनस 0.66, और यहाँ पे हमारा 0 बन जाएगा क्योंकि इसके आगे कोई भी कॉलम नहीं है। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, मैं लिख रहा हूँ वैल्यू, आप इसको लिख लोगे, ठीक है। चलो सॉल्व करेंगे, कैलसी रखना अपने पास में ही। इसका वैल्यू आएगा 0.227, इसका वैल्यू आएगा सर 10, ठीक है। इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 0, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट रो कैसे बनाएंगे सर, अब हम लोग को माइनस हम लोगों को कैसे बनाना होगा वो देखते हैं सर। नेक्स्ट रो के फॉर्मेशन कैसे करेंगे वो देखते हैं सर। यहाँ 10 था ना, अब चलो हमारा 0.227 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 1.66 से, और 10 का मल्टीप्लाई होगा 0.66 से, ठीक है। उसके बाद से 0.227 का मल्टीप्लाई होगा 0 से, और हमारा 0 का मल्टीप्लाई होगा माइनस 0.66 से। देखते हैं रो हमारा क्या आता है सर, यहाँ पे आएगा 0.227 इंटू माइनस 1.66 माइनस 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 प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस 0.66 है, 0.66 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 0.227, ये हमारा क्या हो जाएगा सर अगला वाला, ये 0 और ये 0, 0 हो जाएगा। देखो 0.227 इंटू 0, 0 0 इंटू माइनस 0.667 0, 0 बाई 0.227 0, ठीक है, इसलिए 0 हो गया। ये भी हमारा 0 हो गया, इसके आगे कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, चलो लिखते हैं सर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 27.4, और ये 0 और ये 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला रो कैसे बनेगा सर, नेक्स्ट रो कैसे बनेगा, नेक्स्ट रो के लिए हमारा 0.274, 27.4 का 10 से और 0 का इससे, ठीक है। उसके बाद से हमारा यहाँ पे ये और ये, ठीक है। अब देखो 27.4 इंटू 10, 27.4 इंटू 10 माइनस 0 इंटू समथिंग 0 बाई 27.4, ठीक है, ये पहला कॉलम का हो गया। दूसरा कॉलम है 27.4 इंटू 0, 0 और 0 इंटू 0.227 0, 0 माइनस 0 बाई 27.4, यानी कि और ये 0 हमारा ऑलरेडी है। देखो अब समझ में आ गया, अब यहाँ से हमारा 27.4 खत्म हो गया, यहाँ से हमारा 0 बाई समथिंग 0, ये 0, ठीक है, यानी कि हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे, यहाँ बन रहा है सर 10 और ये 0 और ये 0, ठीक है। अब बात करते हैं किसके बारे में, हमेशा फर्स्ट कॉलम की बात करेंगे, फर्स्ट कॉलम को देखते हैं सर इसका नेचर कैसा आ रहा है फर्स्ट कॉलम का, फर्स्ट कॉलम का नेचर देखते हैं कैसा आ रहा है। देखो फर्स्ट कॉलम में देखना है कि साइन कितनी बार चेंज हो रहा है। तो एक बात बताओ, अगर आप S5 से S4 में जा रहे हो कोई साइन चेंज हो रहा है क्या, एक 1 है एक हमारा 1.5 है, कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है। अगर 1.5 से -0.66 जा रहे हो यानी कि साइन चेंज हो रहा है, -0.66 से जा रहे हो 0.227 यहाँ भी साइन चेंज हो रहा है, यहाँ पे हमारा साइन चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमारा साइन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। साइन चेंज दो बार हो रहा है, कहाँ कहाँ सर, एक बार यहाँ साइन चेंज हो रहा है
और एक बार यहाँ साइन चेंज हो रहा है, दो बार साइन चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें भी क्या लिखोगे, हमारा यहाँ पे दो बार साइन चेंज हो रहा है, ऐसे ही लिखोगे स्टेटमेंट देयर आर टू चेंजेज इन साइन ऑफ द एलिमेंट्स इन द फर्स्ट कॉलम। ऑफ राउट टेबल, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहां से हम लोगों ने ये कंक्लूड किया कि सर हमारे पास सिस्टम के पास दो पोल कहां पे है, राइट हैंड साइड में। सिस्टम हैज टू रूट्स विथ पॉजिटिव रियल पार्ट्स। उसके बाद से क्या बोलेंगे सर, हमारा सिस्टम होगा अनस्टेबल, सिस्टम इज अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल होगा सर, दो रूट्स हमारे, दो पोल्स हमारे कहाँ आ गए, आरएचएस में आ गए। आरएचएस में कितने पोल हैं सर, दो हैं, यानी कि हमारे पास पावर कितने, फाइव है। हमारे पास तीन जो रूट्स बचे, या तो ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो सकते हैं या तो एलएचएस में हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सिस्टम का पूरा एनालिसिस हो गया सर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें देखो क्या बोला है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द सिस्टम इज गिवेन बाई, इतना सी दिया हुआ है। अब बोला है कि सर स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा, मार्जिन स्टेबल होगा, नाइदर एन बी सी नॉट सी। तो देखो नेसेसरी एंड सफिशियंट, नेसेसरी कंडीशन पहले चेक करोगे, 3s4 + 10s³ + 5s² + 2। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे बोलो s5 है, s4 है, s3, s2 है, s1 यहाँ पे मिसिंग है, s1 मिसिंग है। तो डायरेक्टली बोलोगे सर कि हमारा नेसेसरी कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सिस्टम हमारा अनस्टेबल होगा, ठीक है। पहले ही हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया ये। चलो अब नेक्स्ट सवाल देखो सर, नेक्स्ट सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर जो है ना नेक्स्ट देखो सर कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है सर क्या कि फीडबैक सिस्टम विथ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इतना दिया हुआ है सर। पूछा गया कि के किस वैल्यू के लिए स्टेबल होगा, स्टेबल के बारे में पूछा गया या अनस्टेबल होगा किसके लिए, ठीक है। चलो तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है सर, हमारे पास क्या दिया हुआ, सी दिया हुआ है। सी क्या दिया हुआ लिख लो पहले, सी दिया हुआ हमारे पास s4 + 20 kS³ + 5s² + 10s + 15। सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन, s4 भी है, s3 भी है, s2 भी है, s1 भी है, s0 भी है, ठीक है, s0 भी है। उसके बाद सारे प्लस भी हैं, कोई दिक्कत नहीं, नेसेसरी कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। अब सफिशियंट कंडीशन के लिए क्या बनाओगे, राउट एरे, राउट टेबल का फॉर्मेशन करो सर, ठीक है। राउट टेबल का फॉर्मेशन करते हैं, राउट टेबल का फॉर्मेशन में क्या देखना है सर, s5 है हाईएस्ट पावर ना, तो s5 से शुरुआत करेंगे। चलो s5, s4, ठीक है, s5 है कि s4 ही है, s4 है, सॉरी सॉरी, तो हाईएस्ट पावर से लेके चलना है ना, मिस्टेक हो गया था। देखो गलती होती है मेरे से, परेशान नहीं होना कि सर गलत पढ़ा दी, नहीं, s4, s3, s2, s1, s0, ठीक है। चलो अब बनाते हैं सर टेबल। देखो यहाँ पे s4 का कोफिशियंट पहले लोगे, फिर उसके बाद से क्या लोगे, s2 का लोगे इवन वाले सारे, फिर s0 का लोगे, यानी कि क्या बनेगा, 1 5 15, 1 5 और ये 15 आ गया, ठीक है, 1 5 15 बन गया। अब देखो s3 20 के 10s 0, 20 के 10 और ये 0 सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब अगला रो का फॉर्मेशन करते हैं राउट टेबल से, कैसे होगा, 20 के और 5 मल्टीप्लाई होगा, 10 और 1 हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद से हमारा जो है यहाँ पे 20 और के 15 मल्टीप्लाई होगा, और 1 और हमारा यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई होगा सर, ठीक है। चलो बनाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सर कि 20K × 15 − 10/20K, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, 5 है ना, 15 लिख दिया यहाँ पे, ये 5 है, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे,
अब हम लोग नेक्स्ट के बारे में देखते हैं सर। 20 × 15, 20K × 15 माइनस 0 × 1 बाई 20K, लिख सकते हैं। ये जीरो है, आगे कोई रो नहीं है। अब देखो इसको सिंपलीफाई करोगे तो क्या होगा, इसको सिंपलीफाई करोगे तो क्या होगा, इसको सिंपलीफाई करोगे तो क्या होगा, उसको लिखते हैं सर। देखो ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 100K माइनस 10/20K, और ये हमारा सर बन जाएगा 20K 20K कैंसिल हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा ना, तो कैंसिल, यहाँ 20K 20K कैंसिल होकर 15 बचेगा सर, ठीक है, तो सिर्फ 15। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट रो का फॉर्मेशन कैसे करेंगे सर, देखिए इसको टोटल को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सर, इस टोटल को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सर, उसके बाद क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मल्टीप्लीकेशन करते हैं सर। हमारा मल्टीप्लीकेशन का क्या रूल है, 10 100K - 10/20K × 10 मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 100K - 10/20K किसके साथ मल्टीप्लाई होगा सर, 10 के साथ, माइनस ये 15 × 20K मल्टीप्लाई होगा, 15 × 20K डिवाइडेड बाई इतना सा डिवाइड होगा 100K - 10/20K, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट के लिए क्या करते हैं सर, ये टोटल को हम लोग, ये टोटल को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जीरो के साथ, तो जीरो हो जाएगा, और 0 × 20K जीरो हो जाएगा, 0 - 0 जीरो हो जाएगा, 0 बाई ये 10K - 10/20K ये भी जीरो हो जाएगा, यानी कि ये जीरो, आगे कोई रो नहीं है, आगे कोई कॉलम नहीं है, यानी कि ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा समझने के लिए आपको, इसको कोई कांस्टेंट मान ले कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी बोलो इसको कोई कांस्टेंट मान लो, कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको कांस्टेंट मान लेते हो, अगर इसको कांस्टेंट मान लेते हो ए, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्या होगा, नेक्स्ट रो का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट रो का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये 20 हमारा इसके साथ जीरो, फिर ये हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ हमारा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब a × 0 सॉरी a × 15, a × 15 क्या होगा सर, 15 a, 15 a माइनस माइनस 0 × समथिंग जीरो हो जाएगा डिवाइडेड बाई ए, तो ए से ए कैंसिल हो गया, क्या बचा, 15 बचा, इसीलिए हम लोगों ने उसको फिक्स वैल्यू मान लिया, जब भी बड़ा बने आप उसको फिक्स वैल्यू मान लोगे, ये 15 हो गया सर। उसके बाद हमारा क्या करना है सर, इसको और जीरो से जीरो हो जाएगा, इसको और जीरो से जीरो हो जाएगा, और डिवाइड बाई ए तो जीरो ही होगा। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट कॉलम के बारे में एनालिसिस करना होता है सर। फर्स्ट कॉलम के बारे में हमारा एनालिसिस होता है कि सर आपका फर्स्ट कॉलम कैसा बन रहा है, वही हमारे लिए मेन कंसर्न है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम हमारा कुछ ये बन रहा है सर, यही हमारा फर्स्ट कॉलम है ना। अब फर्स्ट कॉलम के बारे में देखना है कि फर्स्ट कॉलम हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो फर्स्ट कॉलम के बारे में बोल रहे हो, तो देखो हमारा वेरिएबल कहाँ क्या है सर, के बन रहा है, के क्या वैल्यू चेंज करोगे तो हमारा स्टेबिलिटी का कंडीशन भी चेंज होगा। अब ए हमारा क्या माने थे, ए हम लोग जो माने थे वो हमारा था 100K - 10/20K × 10 -15 × 20K, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100K - 10/20K। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा सर, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा -600K² +100K - 10/10K -1, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। तो देखो क्या बोला कि सर के किस वैल्यू के लिए स्टेबल होगा, स्टेबल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के, स्टेबल फॉर इतना, स्टेबल फॉर इतना, स्टेबल फॉर इतना। अब देखोगे कि सर हम लोग पढ़े थे ना सर कि हमारा कंडीशनल स्टेबल में कि सर के कुछ वैल्यू के लिए स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, मार्जिनल स्टेबल भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सर हमारा यहाँ पे जो हमारा ये वाला S1 रो आ रहा है उसके फर्स्ट कॉलम में ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि सर अगर हम लोग इस ए को, जो ए हम लोग माने थे, इस ए में ए का वैल्यू जो आया हमारा, जो आया, अगर के का कुछ भी वैल्यू रखते हो सर, इसमें अगर के का कोई भी वैल्यू रखते हो, कोई भी वैल्यू, तो ये निगेटिव ही देगा, निगेटिव ही देगा। अब एक बार बताओ, बोला है कि सर स्टेबल होना चाहिए, क्या बोला है, स्टेबल, सिर्फ स्टेबल की बात करता है, सिर्फ स्टेबल की बात कर रहे, तीन ऑप्शन में, तीन ऑप्शन में स्टेबल की बात कर रहे हैं। अगर बताओ पहला कॉलम में, पहला कॉलम में कोई भी निगेटिव साइन आने से क्या होगा सर, हमारा निगेटिव साइन से ये बताएंगे कि सर हमारा अनस्टेबल वाला केस बन सकता है, वहाँ पे हमारा क्या होगा, साइन चेंज होगा, साइन चेंज होने से ये बोलेंगे कि सर हो सकता है कि हमारा क्या हो सर, हमारा पोल्स राइट हैंड साइड में हो,
तो बोलोगे सर कि यहाँ पे अगर ये हमारा निगेटिव बन गया, ये निगेटिव बन गया सर, इसके जगह पर हम बोलेंगे सर ये निगेटिव बन गया, निगेटिव बन गया, तो हम बोलेंगे सर H2 से H3 जा रहा है तो साइन चेंज हो रहा है। बोलो H2 से H3 S1 जा रहा है तो साइन चेंज हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना सर कि ये K के सारे वैल्यू पर ये हमारा निगेटिव ही देगा, तो हम लोग बोलेंगे कि सर ये हमारा अनस्टेबल बन रहा है, हमारा ये अनस्टेबल बन रहा है। बोलो हम लोग बोल सकते हैं सर ये हमारा अनस्टेबल वाला केस बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या बोलना है, तो यहाँ पे बोलोगे अनस्टेबल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के। इसके पीछे का लॉजिक समझो कि सर एक बार एक भी अगर निगेटिव बना फर्स्ट कॉलम में, तो यानी कि आपका क्या है सर, साइन चेंज हो रहा है। साइन चेंज होने का मतलब क्या है सर, कि आपका जो है क्या बन रहा है, आपका जो है राइट हैंड साइड में पोल मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि सर इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो टर्म है वो निगेटिव होगा सर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के, तो सिस्टम हमारा क्या होगा सर, अनस्टेबल हो गया, सिस्टम इज अनस्टेबल। उसके बाद सर बता सकते हो ना, एक भी पोल अगर आपका, एक भी साइन चेंज हुआ तो एक भी पोल आपका राइट हैंड साइड में गया, एक भी पोल अगर राइट हैंड साइड में चला गया, यानी कि सिस्टम अनस्टेबल हो गया, सिस्टम अनस्टेबल हो गया, बात खत्म वहीं पे, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल को, इसको करना है सर, इस सवाल को अटेम्प्ट करो आप लोग, और इसमें बताइए कि सर इसका आंसर क्या आएगा। इसमें भी सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे दिया है और बोला है कि डिटरमाइन स्टेबिलिटी, आपको स्टेबिलिटी डिटरमाइन करना है सर, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन S+1 × S+2 × S² + 1 = 0, डिटरमाइन द स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे सी क्या बन रहा है, सी पहले बना लेते हैं, इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा सर, S4 + 3S³, इसको कर लोग अपने से ही, 3S² + 2 = 0। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर नेसेसरी कंडीशन सारे प्लस भी हैं और सारे टर्म प्रेजेंट में, S4, S3, S2, S1, ठीक है, यानी कि हमारा राउथरे का फॉर्मेशन हो सकता है। चलो राउथरे का फॉर्मेशन करते हैं, हाईएस्ट पावर क्या है सर, 4 है, S4 है, S4, S3, S2, S1, S0, ठीक है। चलो अब देखो S4 का मल्टीप्लीकेशन क्या है, 1 है, 3 का क्या है, 2 है, यानी कि 1 3 0, 1 3 0, S3 का 3 है और हम बोल रहा S0, सॉरी यहाँ पे हमारा, देखो यहाँ पे हमारा एक टर्म मिसिंग है, तो उसको हम लोग चेक करते हैं नेसेसरी कंडीशन, ठीक है, सफिशियंट कंडीशन को चेक करते हैं सर, ठीक है। राउथर से स्टेबिलिटी का स्टेटस बताना है, यानी कि हमारा देखो S3 का वैल्यू 3 है, S1 का मिसिंग है, 0 कर दोगे, उसके बाद से क्या है सर हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत, कहीं पे मिसिंग हो रहा है क्या हमारा यहाँ पे, S4 S3S³ + 2, एक मिनट इसको मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। छोड़ो देखो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है सर, S+1 × S+2 × S² + 1 = 0, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा सर, हमारा बनेगा S² + 2S और S3S + 2 S² + 1 = 0। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं सर, क्या बनेगा, S4 + 3S³ + 2S² + S² + 3S+2, ठीक है, = 0, यानी कि S4 + 3S² + 3S² + 3S+2 बनेगा। देखो बोला ना मिसिंग हो रहा है कहीं पे। चलो ठीक है, सी बना लिए हम लोग, सी बना लिए, अब चलो टेबल बनाते हैं देखो, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे देखो S4 का कोफिशियंट हमारा लिख दिया, S2 का लिख दिया, S0 का लिख दिया, 1 3 2 1 3, और यहाँ पे हमारा 2 है ना, पूरा गलत ही हो जाता सवाल अभी। चलो 2 है, आप लोग खुद से भी करोगे एक बार। अब देखो S3 का, S2 का, S1 का और S0 का, यानी कि यहाँ पे S3 होगा ना, हाँ 3 3 3 और 3 होगा यहाँ पर, 3 3 0। चलो अब सॉल्व करते हैं सर, ठीक है, नेक्स्ट टेबल बनाते हैं, नेक्स्ट टेबल बनाते हैं सर, यहाँ पे हमारा 3 होगा, ठीक है। चलो टेबल बनाते हैं, अब क्या करना है सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा इसके साथ जाएगा, ये हमारा इसके साथ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या होता है सर, सारे 3 के साथ ही जाएंगे अलग अलग करके। चलो टेबल बनाते हैं सर, हमारा 3 × 3, 3 × 3 −3 × 1/3, ठीक है, 3 × 2 −1 × 0/3, ठीक है, 3 × 2 1 × 0/3, आगे कुछ नहीं है तो 0। इसको अगर करोगे तो क्या होगा सर, 2 आएगा,
टू आएगा, इसको करोगे तो क्या आएगा, टू आएगा, टू टू जीरो। चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट सर, नेक्स्ट बनाते हैं सर। टू और थ्री मल्टीप्लाई होगा ना, टू और थ्री मल्टीप्लाई होगा ना, उसके बाद से क्या होगा सर, टू और जीरो मल्टीप्लाई होगा ना, जीरो और थ्री मल्टीप्लाई होगा ना। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे सर, अब क्या करते हैं, अब करते हैं सर, टू इंटू थ्री क्या होगा, टू इंटू थ्री माइनस थ्री इंटू टू, टू इंटू थ्री माइनस टू इंटू थ्री बाई टू टू, ठीक है। टू इंटू जीरो, टू इंटू जीरो माइनस जीरो इंटू थ्री, जीरो इंटू थ्री बाई टू, बाकी आगे कुछ नहीं, जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा। देखो पहला ही जैसा एलिमेंट जीरो आया, अब क्या करोगे सर, ये जीरो हो गया, पहला एलिमेंट जीरो आने के बाद से देखो क्या करते हैं, पहला एलिमेंट जैसे जीरो आता है हम लोग क्या करते हैं सर, ये भी जीरो बन रहा है, ये भी जीरो बन रहा है। पहला एलिमेंट जैसे जीरो बनेगा उसके जगह पे आप क्या रिप्लेस करोगे सर, जीटा, उसकी जगह कोई भी एक फिक्स वैल्यू रिप्लेस कर लोगे, तो इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं जीटा से, ठीक है, जीटा से रिप्लेस करते हैं। उसके बाद से फिर से राउ थेरे को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं सर, राउ थेरे को आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। जीटा जैसे हमारा जीरो है उसके बाद से हम लोग राउ थेरे को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो नेक्स्ट कॉलम कैसे बनेगा, नेक्स्ट रो कैसे बनेगा सर, टू इंटू जीटा माइनस टू इंटू जीरो बाई जीटा, जीटा का वैल्यू मानना है कि सर जीटा टेंस टू जीरो, हम लोग लिमिट, ये हमारा एक्सेप्शन केस होता है कि जैसे हमारा फर्स्ट कॉलम में कोई एलिमेंट, पहला एलिमेंट हमारा जीरो बन गया, तो हम लोग उसके बाद से जस्ट जीटा को जीरो बैठा देते हैं, ठीक है। अब देखो सर क्या हो रहा है, अब ये भी हमारा जीरो बन रहा है, ठीक है, ये भी हमारा जीरो बन रहा है, चलो ठीक है। अब हमको मतलब किससे सर, मतलब हमको है फर्स्ट कॉलम से, यहाँ हमारा कैंसिल होकर क्या बन जाएगा सर, यहाँ हमारा कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, टू बन जाएगा, टू बन जाएगा। मेरे को मतलब किससे सर, फर्स्ट कॉलम से मतलब है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम में, हम लोग क्या देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम में सर, कि फर्स्ट कॉलम में हम लोग क्या देख रहे हैं कि साइन कितना बार चेंज हो रहा है सर, साइन एक भी बार चेंज नहीं हो रहा है, साइन एक भी बार चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद से क्या बोल रहे हैं सर, कि हमारा यहाँ पे एक जीटा का वैल्यू जीरो हो गया, जीटा का वैल्यू जीरो हो गया। अगर जीटा जीरो भी बैठा रहा है तब भी हमारा नेगेटिव नहीं बन रहा, जीटा को जीरो भी बैठा रहा है तब भी नेगेटिव नहीं बन रहा, यानी कि साइन चेंज नहीं हो रहा, साइन चेंज नहीं हो रहा, यानी कि वो क्या बोलोगे, स्टेबल है सर। सबसे पहला पॉइंट, नो साइन चेंज, नो साइन चेंजेज, साइन चेंज नहीं कर रहा है। दूसरा पॉइंट लिखोगे सर, ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखोगे, यहाँ पे हमारा इमेजिनरी रूट्स का फॉर्मेशन होगा, पेयर ऑफ, क्यों सर, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है सर, पहला कॉलम जीरो बन रहा है, यानी बोल सकते हो कि सर हमारा यहाँ पे पूरा एक रो भी जीरो बन सकता है, पेयर ऑफ इमेजिनरी रूट्स का फॉर्मेशन होगा। सिस्टम को क्या बोलोगे सर, पेयर ऑफ इमेजिनरी रूट्स आएगा तो सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल। बाकी आगे हम लोग रो ऑफ जीरो वाला कंडीशन भी पढ़ेंगे, वहां से भी आप निकाल सकते हो, वो वहां से भी निकाल सकते हो, लेकिन फिलहाल इसको इतना ही पे खत्म करते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, बोलिए, कोई डाउट है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सवाल है। चलो अब इसको जो है ना आप एक बार खुद से सॉल्व करके भेजोगे मेरे को, कैसे सॉल्व करोगे इसको, कि सर इसका जो है ना स्टेबिलिटी के बारे में आपको कॉमेंट करना है, कि इसका स्टेबिलिटी क्या होगा। डिटरमाइन सिक्स ऑर्डर का सिस्टम है, स्टेबिलिटी का स्टेटस बताना है कि सर ये स्टेबल होगा या नहीं होगा। इसको अच्छे से सॉल्व करोगे, नहीं करोगे सॉल्व तो मैं इसको अगले क्लास में कराऊंगा, बिल्कुल, ठीक है। तो आप एक बार इसको करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो इलेक्ट्रिकल ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, और एक के यू अंडरस्कोर सेम एक हमारा और टेलीग्राम चैनल है, दोनों में से कहीं पर भी आओगे आपको मिल जाएगा सर पीडीएफ, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एक बार कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा, अगर इसका सोल्यूशन कर पाते हो तो बहुत अच्छा है, लंबा सोल्यूशन जाएगा इसका, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। इसके पहले वाले क्लास में टाइम रिस्पॉन्स में कुछ लोग गलत आंसर भी दिए, कुछ लोगों का सही भी आया है, शायद अमित का सही आंसर है, ठीक है। आप लोग एक बार और चेक करोगे कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। उसमें कॉमन लेना पड़ेगा पहले एस, जैसे एस कॉमन लोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कंडीशन बन रहा है। जो आपको जीएस या जीएसएचएस दिया हुआ, जो भी आपका दिया हुआ, उसमें कॉमन एस नीचे बन रहा है, ठीक है, वो आप थोड़ा सा उसको ध्यान रखोगे, ट्रिकी सवाल है वो, बेसिक सवाल है, ट्रिकी है, ठीक है। बाकी सर देखिए स्टूडेंट का सही हुआ है, बाकी किसी का कॉमेंट नहीं आया था, तो आप लोग एक बार देखोगे और कमेंट करके बताओगे। मैं ये वीडियो जो है ना सारे बस आपके डिमांड के ऊपर ही मैं लेकर के आना चाहता हूँ, कि अगर आपका डिमांड होगा तभी लेकर के आऊँगा। बाकी जो स्टूडेंट जो है ना जिनको लगता है कि मैं फेल कर जाऊँगा, वो सिंपल है ना कि सारे सवाल जो करा रहे हैं उसको एक बार अच्छे से देख लो, यहाँ से फार्मूला लिख लो, फार्मूला रट लो, रट नहीं पाओगे तो थोड़ा सा उसको याद कर लो, याद करते हुए एग्जाम देने जाओ, ये सब कुछ कर सकते हो पास करने के लिए। नहीं तो आप दो मॉडल मिनिमम पढ़ लो, रूट लॉकस पढ़ लो, टाइम रिस्पॉन्स पढ़ लो, या स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम पढ़ लो, मुश्किल से 7 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा दो दो मॉड्यूल अच्छे से मेरे ही यूट्यूब चैनल के ऊपर, और एक एक पॉइंट में डिटेल में पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए लास्ट वाला सवाल मैं नहीं करा रहा हूँ, उसको कराने में 10-15 मिनट समय लगेगा, ठीक है, थैंक यू।